हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, ये कच्छ वर्क करने के लिए आज मैं आप लोगों को इस टाइप का डिज़ाइन बनाकर दिखाऊंगी। तो इसके लिए देखिए, हमने ये बना लिया है डिज़ाइन। यहाँ पे ये 8 स्क्वायर हैं और डबल हैं, 8 के ऊपर एक एक स्क्वायर हैं, तो ये डबल हो गए। और यहाँ पे देखिए, पिछले वीडियो में हमने आपको ये सिंगल स्क्वायर 8 स्क्वायर हैं, ये भी बनाकर आपको दिखाया था। और इसका ही छोटा सा है, बिल्कुल इसी का ही 8 ये भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 का ये छोटा सा है, ये बड़ा है, इससे हम छोटा भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना, किस तरह से हम ये इसे बनाते हैं। इसके लिए फर्स्ट में हमने क्या करना है, यहाँ से अपने धागे को यहाँ पे हम अपने धागे को कर लेंगे नीचे, इस तरह से नीडल को ऐसे। तो यहाँ पे मेरा धागा देखिए नीचे हो गया। अब यहाँ से हमें यहाँ पे आना है, ये इस तरह का, मतलब यहाँ पे आ गया ये धागा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे आने के लिए, यहाँ पे तो मेरा धागा ये ऊपर हो गया, तो यहाँ जो धागा बनेगा वो होगा नीचे, फिर यहाँ ऊपर। तो इस कॉर्नर में हमें अपने धागे को का पोजीशन नीचे रखना पड़ेगा। तो इसी तरह से नीचे रख लेते हैं। देखिए नीचे हो गया। तो जब ये नीचे हो गया कॉर्नर, ये दोनों कॉर्नर भी नीचे नीचे रहेंगे। नीचे यहाँ भी नीचे कर लेंगे। अब यहाँ पे मेरा धागा इसी तरह से रहेगा, क्योंकि ये धागा ऊपर हो रहा है। तो ये धागा देखिए, ये बना हुआ धागा ये फ्रेंड्स ऊपर है, यहाँ पे ये हो गया नीचे, और यहाँ पे जो धागा फिर बनेगा होगा ऊपर। तो इस कॉर्नर को हमें नीचे रखना होगा, तो यहाँ पे हमने नीचे रख लेना है। तो देखिए यहाँ नीचे रख लिए। फिर अब यहाँ से इस कॉर्नर आना है, तो उसी तरह से होगा फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे तीनों कॉर्नर नीचे नीचे चले, तो यहाँ पे भी नीचे नीचे चलेंगे। क्योंकि सेटिंग उसी तरह से बैठेगा, ये धागा ऊपर हो गया, फिर यहाँ पे नीचे होगा, फिर यहाँ पे ये ऊपर होगा, तो इस धागे को हमें नीचे रखना है। तो हमने इसे नीचे रख लिया, ये दोनों कॉर्नर भी नीचे नीचे हो जाएंगे। ये भी नीचे हो गया। तब यहाँ पे ये ऊपर, ये धागा हो गया नीचे, फिर ये धागा होगा ऊपर, जब बनेगा इधर से लौटेगा तो, और यहाँ पे फिर अपने धागे को नीचे रखना है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें इस दोनों कॉर्नर को भी बना लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये भी धागा हमने नीचे कर लिया है,
अब यहाँ से हमें इस कॉर्नर आना है, तो इस कॉर्नर में हम देखेंगे कि अपने धागे को हम किस तरह से रखें। तो यहाँ से सेटिंग करेंगे, ये धागा मेरा ऊपर हो रहा है, ऊपर की ओर। यहाँ पे जो धागा बनेगा आएगा सो होगा नीचे, तो इस धागे को हमें ऊपर करना होगा। और फिर यहाँ पे मेरा ये दोनों कॉर्नर मतलब नीचे रहेंगे, देखिए इस तरह से, यहाँ नीचे। इस वर्क में हमेशा एक ऊपर और एक नीचे का ही सेटिंग बैठता है फ्रेंड। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वर्क है, इसे समझना। यहाँ पे इसके नीचे से हमें इस तरह से निकल जाना है। इस तरह से नीचे चले जाएंगे। अब ये हो गया फर्स्ट राउंड फ्रेंड्स, हो गया जो कि हम क्लॉकवाइज चले। अब यहाँ सेकंड देखिए, हमने यहाँ सेकंड लिखा हुआ है, तो अब सेकंड बारी भी मैं अपने नीडल को यहाँ से निकालूंगी, इस कॉर्नर से। और ये सेकंड बारी भी क्लॉकवाइज ही चलेगा, इधर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ से हमें फिर इस यहाँ पे आना है, इस कॉर्नर आना है। तो इसके लिए फ्रेंड्स यहाँ पे तो हमें अपने धागे को नीचे ही रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अब यहाँ पे मिलाएं अपने धागे को, क्या रखें। तो ये धागा मेरा ऊपर हो रहा है, तो यहाँ से जब हम नीचे निकलेंगे, ऊपर ही रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पे धागा ना ऊपर ही रहेगा, क्योंकि नहीं 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 फ्रेंड्स, ये देखिए ऊपर, यहाँ ऊपर, यहाँ से नीचे निकलेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, कभी कभी थोड़ा सा हो जाता है। यहाँ देखिए ये ऊपर, ये भी ऊपर, यहाँ पे नीचे हो गए। और फिर उसी तरह से यहाँ पे अपने धागे को नीचे करेंगे। अब यहाँ से फिर हमें यहाँ पे आना है। तो ये हो गया, ये धागा देखिए ये ऊपर हो रहा है, ये धागा नीचे हो गया, नीचे दब गया। और यहाँ पे जो धागा होगा वो होगा ऊपर, और यहाँ पे इस कॉर्नर हमें अपने धागे को दोनों तीनों कॉर्नर जो हैं नीचे नीचे रखना होगा। नीचे हो गया। ये भी नीचे। यहाँ पे भी नीचे। अब ये धागा देखिए ऊपर हो गया, यहाँ पे ये धागा इसी तरह से रहेगा, ये नीचे दब गया। यहाँ से जब नीचे निकलेंगे तो ये धागा ऊपर हो गया, ऐसे ऊपर होगा। और फिर यहाँ पे हमें अपने धागे को इस कॉर्नर में नीचे रखना है। फिर उसी तरह से यहाँ के बाद हमें यहाँ आना है। तो ये हो गया, ये ऊपर, ये नीचे, फिर यहाँ पे जो धागा बनेगा ऊपर, तो यहाँ पे हमें अपने तीनों कॉर्नर को नीचे नीचे रख लेना है। तो इसी तरह से फ्रेंड्स ये जो है दोनों बनेंगे। अच्छा मैं बना ही देती हूँ। यहाँ भी नीचे। थोड़ा सा धागे को लूज ही रखना पड़ता है, टाइट कर देने से ये वर्क अच्छा नहीं बनता, इसलिए हम अपने धागे को लूज रखते हैं, ज़्यादा टाइट ना करें इसे बनाते समय। फिर यहाँ देखिए ये हो गया ऊपर, ये धागा हो गया नीचे,
इसके नीचे से जब हम निकलेंगे तो ये धागा हो जाएगा ऊपर, और यहाँ पे फिर हमें अपने धागे को कर लेना है इस तरह से नीचे। ऊपर नीचे, ऊपर यहाँ पे नीचे, तीनों कॉर्नर नीचे नीचे। ऊपर नीचे यहाँ से निकल जाएंगे इस धागे के नीचे से, ये धागा हो गया ऊपर, और फिर यहाँ पे नीचे कर लेंगे। यहाँ देखिए ये हो गया ऊपर, ये धागा हो गया नीचे, यहाँ से निकलेंगे, ये धागा हो जाएगा ऊपर, और फिर ये दोनों कॉर्नर को भी इसी तरह से सेट कर लेना है नीचे नीचे चल के। नीचे यहाँ भी नीचे, यहाँ पे इसके इस धागे के नीचे से इस तरह से निकल जाएंगे। धागा हो गया देखिए नीचे, अब इसे फील करना है फ्रेंड्स। ये सेकंड राउंड यहाँ हो गया, अब फील करने के लिए हमें या तो मैं दूसरे वीडियो में बनाऊं, क्योंकि ये 12 मिनट का वीडियो हो गया है, अब ये यहाँ से होगा प्रिंट। देखिए थर्ड राउंड जो है तीसरी बारी का राउंड यहाँ से चलेगा। अब देखिए फ्रेंड ये हो गया थर्ड राउंड, जो कि अब चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। इधर तो दोबारी क्लॉकवाइज हमने चला, तो यहाँ पे इस फर्स्ट धागे के नीचे से निकलेंगे, यहाँ कॉर्नर, फिर यहाँ पे फर्स्ट धागे के नीचे से निकलेंगे, फिर यहाँ पे फर्स्ट धागा का धागे के नीचे से निकले कॉर्नर, फिर ये फर्स्ट धागा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स ये नीचे का जो है इसी तरह से चलेगा, ये नीचे नीचे फील होते हुए आएगा। तो मैं थोड़ा आपको आगे बढ़ के दिखाती हूँ। फर्स्ट धागा फर्स्ट धागे के नीचे से कॉर्नर से, फिर यहाँ पे फर्स्ट धागे के नीचे से निकले, और अब यहाँ पर आकर इस तरह से यहाँ नीचे हो जाएंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड नीचे का जो है पोर्शन वो फिल हो गया है। अब ऊपर ऊपर में फिल करना है,
अब हमें क्या करना है, यहाँ से अपने नीडल को निकालेंगे, यहाँ पे आके नीचे टक किए और यहाँ से अपने नीडल को निकालेंगे। देखिए अब फोर्थ राउंड जो है फिर चलेगा क्लॉक वाइज ही, यहाँ से निकाले, फिर यहाँ फर्स्ट धागे के नीचे से निकले, यहाँ पे फर्स्ट धागे के नीचे से कॉर्नर, फिर यहाँ पे फर्स्ट धागा कॉर्नर, फिर फर्स्ट धागा कॉर्नर। अब फ्रेंड इसे हमने काफ़ी बहुत ही इजी वे में स्लोली बताया है, आप ज़रूर इसे समझ जाइएगा। फर्स्ट और थर्ड धागे को अपने नीडल पे ले लेंगे, फिर यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड धागे को ले लिए नीडल पे। तो देखिए अभी दोनों बॉक्स कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब फिर यहाँ से फर्स्ट धागे के नीचे से निकलेंगे, फिर यहाँ पर ये, और इसी तरह से ये बॉक्स फिल होगा जैसे हमने इस बॉक्स को फिल किया, इसी तरह से बॉक्स को फिल करना है फ्रेंड्स। अच्छा एक मैं और बना देती हूँ, वीडियो तो बहुत ही लंबा हो रहा है, इसका हमें सेकंड पार्ट बताना चाहिए था लेकिन हमने सोचा कि इसी में ही बता देते हैं। तो बस ये फर्स्ट और ये थर्ड धागे को ले लिए, फिर यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड धागे को ले लेंगे। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये दोनों कंप्लीट हो गए, देखिए ये दोनों बॉक्स कंप्लीट हो गए। तो इसी तरह से फ्रेंड्स हमें इसे पूरा करना है, तो मैं थोड़ा आपको आगे बढ़ के और दिखा देती हूँ। फर्स्ट धागा और थर्ड धागे के नीचे से निकल गए, फिर यहाँ पे फर्स्ट धागे के नीचे से निकले, यहाँ भी फर्स्ट धागा, ये कॉर्नर, फर्स्ट धागे के नीचे से कॉर्नर से यहाँ पर फर्स्ट धागे के नीचे से यहाँ कॉर्नर। अब इस बॉक्स में हमारे धागे फिर चार हैं, तो ये फर्स्ट को ले लेंगे, सेकंड छोड़ देंगे और थर्ड को अपने नीडल पे ले लेंगे। यहाँ भी इसी तरह से फर्स्ट धागे को ले लिए, सेकंड को छोड़े और थर्ड को ले लिए अपने नीडल पे। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये वर्क जो है अब कम्प्लीट हो गया, और यहाँ पर आके अब हम अपने धागे को नीचे जाकर टक कर देंगे। तो ये डबल एट स्क्वायर हैं, ये बन गए इस तरह से, ये बन के रेडी हो गया। तो इसे आप बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। यही है मेरा आज का वीडियो, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।